तक विशेष सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। दो दिन में पीएम का ये दूसरा दौरा है। दुर्ग जिले में मोदी को सुनने के लिए 14 विधानसभाओं से 1 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है और इसके लिए विशाल पंडाल तैयार किया गया है। इससे पहले पीएम मोदी ने 2 नवंबर को कांकेर में सभा भी की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लगातार लोगों में भी उत्सुकता है। भारतीय जनता पार्टी भी लगातार इसको लेकर अपने शीर्ष नेतृत्व से आग्रह करती रही थी कि प्रधानमंत्री के दौरे करवाए जाएं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक और दौरा, 2 दिन में दूसरी बार प्रधानमंत्री आ रहे हैं और आगे भी कुछ और दौरे प्रस्तावित हैं। आकाश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। आकाश, क्या है तैयारी, कितनी देर में शुरू हो रहा है कार्यक्रम? जी देखिए, प्रधानमंत्री सभा 11:15 यहाँ पर प्रधानमंत्री आएंगे और सभा को संबोधित करेंगे। इसके लिए मंच पूरा तैयार है, सज चुका है। वहाँ पर अतिथि भी आ गए हमारे, ठीक पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से तैयारियाँ की गई है। यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग आ गए हैं जो मोदी जी का एक चित्र लेकर खड़े हुए, पेंटिंग लेकर खड़े हुए हैं। भाजपा का ध्वज कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, भाजपा का एक पेंटिंग। और यहाँ पर देखिए पूरा मंच सजा हुआ है, आप देख रहे हैं दूर दूर तक लोग पहुंच। और आकाश, मैं आपके पास लौटूंगा, सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर वहां सभा स्थल के पास उड़ता हुआ नजर आया है और अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे। आकाश, पीएम का हेलीकॉप्टर तो वहां पर दिखाई दिया है, कुछ ही देर में, कुछ ही मिनटों में लैंडिंग होगी? जी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10:40 पर यहाँ पहुंचने वाले थे, जो कि यहाँ पर अभी आ चुके हैं। वो उतरेंगे वहाँ रायपुर और सीधे आएंगे रविशंकर स्टेडियम में, उनकी सभा होगी। यहाँ पर सभा में तमाम बड़े संगठन के बड़े नेता मौजूद है, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव मौजूद है, केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में आए हुए। इसके अलावा दुर्ग जिले के जो प्रत्याशी तमाम मंच पर मौजूद है, सभा को संबोधित करेंगे। एक तरीके से साधने की बड़ी कवायद है भाजपा की। 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री का जो दौरा है वो कांकेर में हुआ, वहां पर भी बड़ी संख्या में भीड़ देखी गई थी। और आज प्रधानमंत्री के दुर्ग में सभा, आपको बता दें 2 दिन पहले अमित शाह ने मोदी की गारंटी जारी किया, धान के लिए 3100 रुपए किसानों को दिए गए, छात्रों को साधा गया, मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए घोषणा की गई 500 रुपए ऐसी वादों की गारंटी दिया है। अब जब 7 नवंबर को पहले चरण का मतदान है उससे ठीक बिल्कुल, क्योंकि अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे। आकाश, अपडेट लेने के लिए फिर आपके पास आएंगे और कार्यक्रम में ले चलेंगे अपने दर्शकों को। जब ये कार्यक्रम शुरू होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे।